ब्रह्मलीन परम पूज्य भैयाजी महाराज की 114वीं जयंती एवं 60वां प्रार्थना महोत्सव सांदे तालुका के ताज आश्रम सावंगी में कई गणमान्य व्यक्तियों एवं हजारों अनुयायियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर 15 जनवरी को सावंगी स्थित श्री ताज आनंदाश्रम में ब्रह्मलीन परम पूजनीय भैयाजी महाराज का जन्मोत्सव समारोह आयोजित किया गया। परम पूज्य भैयाजी महाराज द्वारा रचित अध्यात्म पर प्रार्थना स्त्रोत्र पर हबप आचार्य डॉक्टर ज्योत्साताई पाटनकर रत्नागिरी ने उपदेश दिया है, जिसमें हजारों भक्तों ने लाभ लिया। इस भव्य आयोजन की शुरुआत सुबह 5 बजे भैयाजी महाराज समाधि स्थल का अभिषेक, 6 बजे आरती तथा 7 बजे से भैयाजी महाराज विचरित आध्यात्मिक प्रार्थना पाठ एवं सामूहिक प्रार्थना महोत्सव के दौरान, दोपहर 12 बजे परम पूज्य बाबा महाराज बुधुलिया द्वारा आध्यात्मिक प्रार्थना के दिव्य ग्रंथ के हिंदी अनुवाद का अनावरण, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर विकास महात्मे, आचार्य डॉक्टर ज्योत्सना पाटनकर, शालिनी ताई बुधोलिया, ट्रस्टी प्रमुख सोमकांत बिंडे द्वारा किया गया। आयोजन का प्रास्ताविक प्राचार्य बर्डे ने किया तथा पूर्व सांसद डॉक्टर विकास महात्मे ने आध्यात्म एवं संत महात्माओं के विचारों के चिंतन तथा मनन की आवश्यकता पर अपने विचार प्रस्तुत किए, तो वही सुश्री ज्योत्सनाताई पाटनकर के आध्यात्मिक प्रवचन से श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर पवित्र ताज आश्रम सावंगी गांव ने एक मेले का रूप ले लिया, जहां बच्चों के मनोरंजन, खिलौने तथा ग्रोपियों की वस्तुओं की सैकड़ों दुकानों की व्यवस्था तथा आश्रम में आने वाले सभी भक्तों के लिए भोजन, आवास और महाप्रसाद की व्यवस्था ताज आनंदाश्रम समिति द्वारा श्रीमती शालिनीताई बुधोलिया और आश्रम की अध्यक्ष श्रीमती वृशाली मुदकल और विश्वस्तों के मार्गदर्शन में की गई थी। सांदेर पुलिस स्टेशन के रविन्द्र मानकर के मार्गदर्शन में इस भव्य यात्रा कार्यक्रम में किसी भी अनुचित प्रकार को रोकने के लिए उचित पुलिस व्यवस्था की गई है। वहीं राम गणेश गडकरी कॉलेज के NSS के लगभग 50 छात्र छात्राओं ने अपनी सेवाएं देकर भक्तों को दर्शन तथा महाप्रसाद आदि व्यवस्थाएं सुचारू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ताज आनंद आश्रम के समीर दंदे, प्रणाली दंदे, पवन जमादार, रूपाली जमादार, गजू मजार, जगदीश पाटिल, भूषण सवाईकर, श्रीपाद जोशी आदि ने इस भव्य आयोजन की सफलता के लिए कड़ी मेहनत ली। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सावनेर तहसील के ताज आश्रम सांगी, जहां दादाजी महाराज के पावन स्मृति में ये भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि भाविकों की काफी गर्दी लगी हुई है, जो अपने दादाजी के दर्शनों के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। साथ में दादाजी के जब से गमन हुआ है तब से यहाँ उनकी जो हवन कुंड है वो जलते जा रहा है। ये इधर बैठने का स्थान है दादाजी का, ये एक ऐसा पावन स्थान है जहाँ महाराष्ट्र ही नहीं मध्य प्रदेश के सूफी संतों का हमेशा आना जाना लगा रहता था। इन विशेष के लिए किशोर चंद्र ने सौ लोगों का जो मोह होता है वो होता है और चाहिए और पैसा चाहिए पैसा चाहिए, इस प्रकार का दबाव डालते हैं और भ्रष्टाचार को नहीं मिलती है। तो सफल होना चाहिए जो है जो प्रामाणिक भाव से मिल रहा है उसमें संतुष्टि मिलनी चाहिए। होता है क्या कि माता पिता खुद का सुख सोचते हैं और खुद का सुख जब सोचते हैं तो बच्चों के प्रति जो उनका कर्तव्य होता है, बच्चों के प्रति जो संस्कार होते हैं होने चाहिए वो नहीं करते हैं। सब थोड़ा है लेकिन कई लोग ज्यादा करते जो देखते हैं वो खुद का देखते हैं, बच्चा रोता है तो उसे मोबाइल दे दो चुप बैठेगा, कुछ फिल्म दिखाओ चुप बैठेगा, लेकिन इस प्रकार से बच्चों को वो आदत पड़ जाती है और मोबाइल के पूरे अधीन हो जाते हैं। इसके लिए खुद ने पहले ये रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए और खुद का व्यसन पड़ करना चाहिए। जो बड़े हैं हमारे एज के वो भी हमेशा अगर टी वी एज के सामने बैठे रहे तो उनके पुत्र पुत्री वगैरह नहीं करेंगे, जैसे खुद बनता होगा वैसे बच्चे संस्कार जो कारण है आत्महत्या का एम अच्छा रहना चाहिए।
लेकिन आजकल हर एक व्हाइट कलर चौक से बोलते हैं, इसके पीछे मेहनत का काम जो है वो करना बहुत जरूरी है। नहीं ये तो आपको पता है हमारे यहाँ में मैंने देखा है कि बच्चा मैट्रिक हो गया, अब उसे काम पर कैसे भेजते हैं, और वो बच्चे हासिल किया का जोड़ा वो पढ़े हम मेहनत का काम नहीं करेंगे, किसी बाबा नहीं करेंगे। मेहनत जो है मेहनत से फल मिलना चाहिए, मेहनत का फल बहुत कम कर दिया है, सूचनाएं देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों का संस्कार बदले, पहला काम करना एनबीसी न्यूज के लिए सावनी से किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।